अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आज साफ नहीं दे रही तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ आपकी तमाम तकरीरें सुनने के बाद मेरा गला भी कुछ कुछ इजाज़त दे रहा है, हो सकता है बीच में रुक जाए। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हम सबके मोहतरम पहले भी थे, बीच में भी थे और आज भी हैं। इख्तलाफ राय बहुत लोगों का होता है और पढ़े लिखे लोगों में अगर इख्तलाफ राय ना हो तो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, इसलिए इख्तलाफ राय कोई बुरी चीज़ नहीं है। और यहाँ जितने स्टेज पर बैठे हुए हैं, फुरकान साहब अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए, बड़े पुराने साथी हैं। कलीम अल हफीज़ साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आते रहे, इनके कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे, राज साहब के भी देखे। कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। खान साहब बहुत कम गो हैं, लेकिन जब काम बांधते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत काम की बात करते हैं। अबू ज़र हमारे छोटे मेरे बेटे के दोस्त हैं, इसलिए मेरे लिए तो वो बच्चे की तरह हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ भी नोटिस में हैं। दोस्तों, मैं एक दो वाक़यात आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक मुझसे भी है, सराज साहब से भी है और सेंटर से भी है। जब पहला इलेक्शन था तो मैं इस्लामिक सेंटर का मेंबर नहीं था, लेकिन मैं तालिबान उस ज़माने में पार्लियामेंट से नया नया रिटायर हुआ था तो काफ़ी लोग जानते थे। तो इस्लामिक सेंटर की जब सरगर्मियाँ शुरू हुई तो मुझे याद है कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। मैंने कहा हिस्सा लेना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। अशराफ साहब यहाँ गवाह हैं, जिस वक्त ये कैंडिडेट बने तो मैंने सराज साहब से एक बात कही थी, ये कांटों का ताज है और बहुत चुभेगा आपको, और बहुत मुश्किल आपने जो है फैसला किया है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आपको खिदमत करने का मौका मिले। उस वक्त मैंने सराज साहब के लिए कैंपेन में हिस्सा लिया था और एक बात मैं उस वक्त कहा करता था, मैं इस बात के सख्त ख़िलाफ़ था कि कोई सियासतदान इस सेंटर का सदर बने। मेरी राय थी, चूँकि सियासतदानों को बहुत सारे काम करने होते हैं, वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के बाद उसको सही तरह से अदा नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश थी कि उस ज़माने में जो दिल्ली के मौसी हस्तियाँ थीं उसमें चार पांच लोग थे, कि इनमें से किसी को भी कोई चुन लिया जाए। उन सब ने मिलकर के सराज साहब को चुना कि हम इनके हक में अपना वोट देते हैं और इनको अपना कैंडिडेट बनाते हैं। उसी वक्त हमारी पार्टी के ही एक बड़े लीडर चुनाव लड़ना चाहते थे। जाहिर है मैं तो जो मेरा मौक़िफ़ था उसमें मैं खुद भी शामिल था कि सियासतदानों को इस सेंटर के अंदर कोई ज़िम्मेदारी बड़ी नहीं देनी चाहिए, वो एडवाइजरी रोल में हो, एडवाइस करें, आएं जाएं, मॉनिटर करें, अच्छे सजेशन दें, मदद करें, क्योंकि मदद करने की पोजीशन में होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको याद होगा कि मेरे साथ उस ज़माने में जो पहले सियासतदान आए थे जिन्होंने कहा कि मैं अफजल साहब की बात से एग्री करता हूँ और सियासतदान को इसमें नहीं आना चाहिए, बाद में हालात ने पलटा लिया और वो एक बार खुद भी जिम्मेदारी के साथ इस यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हुए। आपको मैं एक और वाक्य भी सुना दूँ, गालिबन ये दूसरा इलेक्शन था या तीसरा था मुझे ये याद नहीं, उसमें एक बड़ी लीडर कांग्रेस की, उनका नॉमिनेशन फाइल करने की बात हुई और वो तैयार थी। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा अप्रोच है और मेरे ख्याल में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं काम करने के, आप इस उलझन में मत पड़िए और इस इलेक्शन में आप हिस्सा ना लें। तो उन्होंने कहा सब मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप लड़िए, आप 100% जीतेंगी। मैंने कहा मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन मैं एक जुमला कह दूं काफ़ी होगा कि आप एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं और आप इस्लामिक सेंटर में चुनाव हार जाएं, हार न जाएं बल्कि आपकी ज़मानत जब्त हो जाए, तो बहसियत सियासतदान आपको क्या आपकी राय होगी इसमें। तो बड़ी हैरान हुई और मेरी ज़रूरत पर शायद उनको अच्छा भी लगा कि मैंने उनको आगाह किया। फिर उन्होंने कुछ लोगों से शायद मशवरा किया
और एक दिन के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। ये वाकया सिराज साहब भी जानते हैं और जो करीबी लोग हैं वो सब जानते हैं। तो मैं तो उस मिजाज का आदमी हूँ कि मुझे लगता है कि हर मुस्लिम इदारों के अंदर काम करने वालों की शुरू में बहुत भीड़ लगती है, बाद में थोड़े रह बहुत थोड़े लोग रह जाते हैं काम करने वाले हैं। और जो भीड़ उस वक्त लगी होती है वो सब तनकीद करने पर लग जाते हैं। पिछले दिनों जो कुछ हुआ मुझसे बेहतर आप तमाम लोग जानते हैं। मैंने तो सिर्फ जो कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाट्सएप के ज़रिए होती थी और जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल उसमें होता था, जिस तरह की गालम गलौच उसमें होती थी, मेरा दिल खून के आंसू होता था। चाहे गालियां इधर से पड़ रही हों चाहे गालियां उधर से पड़ रही हों, इस्लामिक सेंटर हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बहुत ही अहम, बल्कि मैं कहूँगा सबसे अहम इदारा है, इसलिए कि ये कोई रिलीज सियासी इदारा नहीं है, ये एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए से इस्लामी हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर बुलंद हो सकता है और हुआ भी है बहुत सारे मौक़ों पर। तो ये सब जो हालात हैं उन हालात में जो कोर्ट का मामला आया, एक दो बातें थी जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। ये बाहर वर्जी साहब से जब मैंने एक बार सुना कि इस्लामिक सेंटर के ऊपर जो मुकदमों में पैसा खर्च हो रहा है वो सेंटर की आमदनी है या उसका पैसा है जो खर्च किया जा रहा है, जाहिर है उस तरफ भी सब हमारे ही लोग हैं और ताल्लुक़ उनसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन सही बात जो है वो ये थी कि सारा झगड़ा इस बात पर था कि सुप्रीम बॉडी जो है वो जनरल बॉडी है, आप लोग हैं या जो मेंबर उसके बाद इलेक्ट हो गए वहाँ के उहदेदार बन गए वो सुप्रीम बॉडी है, और अदालत में उसी का फैसला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अदालत का फैसला जो है वो डेमोक्रेसी के अहम उसूलों के बिल्कुल साथ में है। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के जो मेंबर चुने जाते हैं वो लोगों के वोट से चुन करके आते हैं, राज्यसभा के मेंबर स्टेट असेंबलीज के वोट से चुन करके आते हैं, और जब वो एक बार पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो उनमें से जो सरकार बनती है तो उसमें से कुछ वजीर बन जाते हैं, कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स बन जाते हैं, अलग अलग उहदों पर फ़ायज़ हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट ही होती है, क्योंकि पार्लियामेंट लोगों के ज़रिए से चुन करके बनती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अदालत का फैसला आया था और जिसको अब चैलेंज करने की बात हो रही है वो एक बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि आप लोग सुप्रीम हैं और आपको फैसला लेना है। 75 साल की उम्र रहेगी या नहीं रहेगी, बाकी 7 पॉइंट्स पर रहेगा या नहीं रहेगी, इसका फैसला ना सिराज साहब को करना है, ना बीओटी के मेंबरों को करना है, ना मीम अफजल को करना है, ना यहाँ स्टेज पर बैठे हुए किसी को आदमी को भी इस हैसियत से करना है कि वो कोई ख़ास है, उसका वोट बराबर है आपके वोट के बराबर है। तो इसलिए ये फैसला बुनियादी तौर पर आपके लिए है। मैं यहाँ पर जाहिर है सदारत पर मुझे अगर बिठाया गया है तो मैं यहाँ से कोई अपील नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। ईद के मौके पर मुबारकबाद के लिए यह फंक्शन बुलाया गया और साथ में इस्लामिक सेंटर के ताल्लुक से भी एक मुद्दा इसके अंदर रखा गया, और ये ज़रूरी था, मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर जो कुछ भी किया है। जहाँ भी कुछ लोगों ने अपने जज्बे का इजहार किया उस जज्बे का इजहार मैं भी कर सकता हूँ। एक बात मैं कह सकता हूँ, पिछले 30-40 साल से सिराज साहब से मेरा ताल्लुक है, ये गलती कर सकते हैं, बेईमानी नहीं कर सकते। अभी जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें मैंने सिराज साहब को फ़ोन किया, और इससे आप वो बात कनेक्ट कर लें कि मेरे लिए भी कभी कभी कुछ मामला ऐसे होते हैं कि आदमी जो नहीं चाहता उसे करना पड़ता है। मैंने सिराज भाई से कहा मैं हमेशा आपको वोट भी देता था और आपके लिए बाकायदा कन्विंसिंग भी जितनी हद तक मैं कर सकता था। बीच में एक बार इलेक्शन हुआ तो मैं
दूसरे किसी मुल्क के अंदर सफीर के तौर पर काम कर रहा था, उसमें मैंने कोई कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं वोट डालने के लिए जब भी आया था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि जो सिराज साहब के मुकाबले पर काम करने वाले साहब मुकाबला कर रहे थे वो मेरे बहुत करीबी अजीज़ दोस्त हैं, और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि सियासतदान जो हैं वो इसमें हिस्सा लें, लेकिन अगर आप इसमें शामिल हो गए हैं तो अलहदा बात है, तो मैं आपको वोट दूँगा, लेकिन मैं कैंपेन नहीं करूँगा, ना आपका करूँगा ना सिराज साहब का करूँगा। सिराज साहब से मैंने फ़ोन करके कहा कि सिराज साहब पहला मौका है, आपसे माजरत के साथ मैं कहूँगा मैं आपको वोट नहीं दे सकूँगा, इस बार मैं किसी और को वोट दूँगा, आपको वोट नहीं दूँगा।